सो हे गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। और यह मेरे पास आईफॉल्कन का 55 इंच एंड्रॉइड स्मार्ट टीवी, जिसे मैंने फ्लिपकार्ट से काफ़ी ज़्यादा अमेजिंग प्राइस 19,000 रुपये में परचेज़ किया है। और अगर तो आप इस टीवी को खरीदने में इंटरेस्टेड हो तो लिंक्स इसके आपको नीचे वीडियो डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। तो फ्रेंड्स, मैंने इस टीवी को 19,000 रुपये की प्राइस रेंज में फ्लिपकार्ट से कैसे परचेज़ किया, तो इसकी प्राइसिंग डिटेल मैं आपको वीडियो में आगे चलकर बताऊंगा। तो आज की इस वीडियो में हम अनबॉक्स करेंगे इस टीवी को, बात करेंगे डिटेल में इसकी फीचर्स की, इसकी पिक्चर क्वालिटी की और इसकी साउंड क्वालिटी की। तो चलिए जल्दी से इस वीडियो को शुरू करते हैं इसकी अनबॉक्सिंग के साथ में। तो फ्रेंड्स, ये है इसका बॉक्स पैक, जहां सामने की तरफ लिखा गया है आईफॉल्कन, जो कि TCL का एक सब ब्रांड है। और बॉक्स के इस तरफ मेंशन की गई है इसकी MRP, जो कि है 59,999 रुपीज। पर आप इसे नॉर्मली फ्लिपकार्ट से 36,000 रुपए में परचेज कर सकते हो। और मैंने इस टीवी को फ्लिपकार्ट की समर सेल से 19,000 रुपए में परचेज किया है, क्योंकि फ्लिपकार्ट की समर सेल में मुझे मिले थे इस टीवी पर काफी ज्यादा डिस्काउंट्स, जिसमें इंक्लूड था 1500 रुपए का इंस्टेंट डिस्काउंट HDFC बैंक के कार्ड से पेमेंट करने पर, और 4,000 रुपए का इंस्टेंट डिस्काउंट प्रीपेड पेमेंट करने पर। और इसके अलावा मैंने अपने पुराने 32 इंच LG के टीवी को भी इसके साथ में एक्सचेंज किया है, जो कि मेरा काफी पुराना 12-13 साल पुराना एक LCD टीवी था, और जिसकी एक्सचेंज वैल्यू मुझे 9,000 रुपए मिली है। तो इस तरह से ये टीवी मुझे 19,000 रुपए में मिला है। और समर सेल के टाइम पर इस टीवी का बेस प्राइस भी 34,000 रुपए था। और यदि तो आप भी इस टीवी को इस अमेजिंग प्राइस में परचेज करना चाहते हो, तो आपको वेट करना है फ्लिपकार्ट की अगली बड़ी सेल की, उसमें डेफिनेटली आपको ये टीवी इन सभी डिस्काउंट्स को मिलाकर इस प्राइस में मिल जाएगा। तो चलिए चलते हैं अब हम इसके बॉक्स कंटेंट्स की तरफ और देखते हैं इसके बॉक्स में हमें क्या कुछ देखने को मिलता है। तो बॉक्स में सबसे पहले हमें देखने को मिल जाता है एक नॉर्मल IR रिमोट कंट्रोलर, जिसमें डेडिकेटेड नेटफ्लिक्स का बटन है। फिर आता है एक वॉइस सर्च रिमोट कंट्रोलर, एक पावर केबल, दो पेयर इन बैटरीज के, कुछ स्क्रूज, टीवी को वॉल माउंट करने के लिए ये स्टैंड, और टीवी को टेबल पर रखने के लिए ये दो स्टैंड्स, यूजर मैनुअल, और अंत में इसका वारंटी कार्ड। तो फ्रेंड्स, हमें ये सभी कंटेंट्स इसके बॉक्स में देखने को मिल जाते हैं। अब हम बात कर लेते हैं टीवी पर दिए गए पोर्ट्स की। तो टीवी में पीछे की तरफ आपको मिल जाएंगे दो HDMI पोर्ट्स, एक LAN पोर्ट, डिजिटल ऑडियो आउटपुट के लिए एक SPDIF पोर्ट, ऑडियो वीडियो पोर्ट और एक एंटीना स्लॉट। और टीवी के इस तरफ आपको मिल जाएगा एक USB 3.0 पोर्ट, दो HDMI पोर्ट्स, एक 3.5mm हेडफोन जैक और एक नॉर्मल 2.0 USB पोर्ट। तो फ्रेंड्स, हमें ये सभी कनेक्टिविटी ऑप्शंस इस टीवी में देखने को मिल जाते हैं। और यह है आपके सामने इस टीवी का होम स्क्रीन, जहां पर आपको कुछ इस तरह का यूजर इंटरफेस देखने को मिलेगा। और इस टीवी पर आपको नेटफ्लिक्स का ऑफिशियल ऐप देखने को मिल जाएगा, और उसके अलावा हमें यहाँ पर यूट्यूब और गूगल प्ले स्टोर का भी ऑफिशियल सपोर्ट मिल जाता है, जहाँ से आप कई सारी एप्लीकेशंस और गेम्स को इसमें इंस्टॉल कर सकते हो। तो चलिए मैं जल्दी से आपको एक बार इस टीवी की स्पेसिफिकेशंस बता देता हूँ। तो ये टीवी आता है क्वाड कोर CPU के साथ, 2.5GB की इसमें आपको रैम मिल जाएगी और 16GB की इंटरनल स्पेस। और यदि स्क्रीन की हम बात करें तो ये 4K टीवी है, जिसकी रेजोल्यूशन है 3840x2160, और इस पर लगा हुआ है A+ ग्रेड पैनल। और उसके अलावा इस टीवी में आपको 16W के स्टीरियो स्पीकर्स मिल जाएंगे, जो कि सपोर्ट करते हैं डॉल्बी और DTS ऑडियो को। तो यहाँ पर डेफिनेटली इस टीवी में आपको पिक्चर क्वालिटी के साथ साथ जबरदस्त साउंड क्वालिटी भी मिलने वाली है। तो चलिए अब हम चलते हैं इस टीवी के सेटिंग्स मेन्यू में और देखते हैं इस टीवी में हमें किस तरह की सेटिंग देखने को मिल जाती है। तो सेटिंग मेन्यू में एंटर होते ही आपको सबसे पहला ऑप्शन दिख जाता है पिक्चर का, और इसके पिक्चर प्रीसेट ऑप्शन में आपको यहाँ पर कई सारे प्री डिफाइंड कलर ऑप्शंस मिल जाते हैं, जैसे कि डायनामिक, नेचुरल, स्टेडियम, स्टैंडर्ड, और आप इसे अपने नीड के अकॉर्डिंगली सेट कर सकते हो। और उसके बाद आपको मिल जाता है मिक्स डिमिंग का ऑप्शन, और उसके नीचे है बैकलाइट वाला ऑप्शन, जिसे आप अपने रूम की लाइटिंग कंडीशन के हिसाब से एडजस्ट कर सकते हो। और उसके बाद आपके पास यहाँ पर इसके कलर की सैचुरेशन एडजस्ट करने का भी ऑप्शन है, उसके नीचे है ऑटो फॉर्मेट, और उसके नीचे है स्क्रीन मोड, जहाँ से आप इसके पिक्चर की साइज को एडजस्ट कर सकते हो। और फिर आता है हमारा ओवर स्कैन वाला ऑप्शन, उसके नीचे है डायनेमिक बैकलाइट और माइक्रो डिमिंग का ऑप्शन, इसे भी आप यहां से ऑन या ऑफ कर सकते हो। उसके बाद एडवांस सेटिंग्स में आपको इसके कलर्स को मैन्युअली एडजस्ट करने का भी ऑप्शन मिल जाता है, जैसे कि आप यहां से इसके कंट्रास्ट, शार्पनेस और कलर टेम्परेचर वगैरह को यहां से मैन्युअली चेंज कर सकते हो। और आखिरी में हमें यहां पर अपने मैनुअल सेटिंग्स को भी रिसेट करने का ऑप्शन मिल जाता है। तो ये तो थी इसकी पिक्चर सेटिंग्स, अब हम चलते हैं इसके साउंड मेन्यू में। यहाँ पर आपको एक पहला ऑप्शन साउंड प्रीसेट का ऑप्शन मिल जाता है, जहाँ पर आप साउंड मोड वाले ऑप्शन से इसकी साउंड को अपने नीड के अकॉर्डिंगली चेंज कर सकते हो। और यहाँ पर आपको कई सारे प्री डिफाइंड ऑप्शन मिल जाते हैं इसकी साउंड को एडजस्ट करने के लिए, और उसके नीचे साउंड प्रीसेट को रीसेट करने का भी आपको ऑप्शन मिल जाता है। और उसके अलावा आपके पास यहाँ पर नाइट मोड का ऑप्शन है, टीवी प्लेसमेंट का ऑप्शन है, जैसे कि मेरा टीवी अभी वॉल माउंटेड है तो मैंने इसे वॉल माउंट पर सेलेक्ट किया हुआ है।
और उसके नीचे आपको बटन साउंड का ऑप्शन मिल जाता है, इसे भी आप यहाँ से ऑन या ऑफ कर सकते हो। और यदि तो आप इस ऑप्शन को ऑन रखते हो तो आपको स्क्रीन पर कुछ भी सिलेक्ट करते हुए क्लिकिंग की आवाज सुनाई देगी। और उसके अलावा आपको यहाँ पर ऑडियो ओनली का भी ऑप्शन मिल जाता है। और यदि तो आप इस ऑप्शन को ऑन करते हो तो 5 सेकंड बाद आपके टीवी की स्क्रीन जो है वो ऑफ हो जाएगी और बैकग्राउंड में जो म्यूजिक है वो चलता रहेगा। और आखिरी में आपको यहाँ पर एडवांस सेटिंग का ऑप्शन मिल जाता है। और यदि तो आप अपने टीवी पर 5.1 चैनल कोई मूवी कंटेंट प्ले करते हो तो आपको इसे ऑटो पर रखना है। तो फ्रेंड्स, हमें इसके मेन्यू में ये सभी सेटिंग कंट्रोल देखने को मिल जाता है। तो चलिए अब हम चलते हैं अपने टीवी की मेन होम स्क्रीन पर और मैं आपको नेटफ्लिक्स से आपको कुछ मूवी कंटेंट प्ले करके दिखा देता हूँ। तो हम यहाँ पर सर्च करते हैं कुछ 4K कंटेंट को और आप ऊपर की तरफ यहाँ पर देख सकते हो, यहाँ पर लिखा गया है अल्ट्रा HD 4K। तो इस कंटेंट को हम प्ले करके देखते हैं ताकि किसी तरह का लैग नहीं दिखाई देगा। तो चलिए मैं YouTube से आपको इस पर कुछ म्यूजिक प्ले करके दिखा देता हूँ ताकि आपको इसकी साउंड क्वालिटी का भी अंदाजा हो सके। तो मैं यहाँ पर जल्दी से कुछ म्यूजिक को सर्च कर लेता हूँ। तो पिक्चर क्वालिटी की तरह ही इसमें हमें साउंड क्वालिटी भी काफ़ी अच्छी मिल जाती है और वॉल्यूम की लाउडनेस भी काफ़ी अच्छी है। तो मेरे हिसाब से इस टीवी पर आपको किसी भी तरह का एक्सटर्नल स्पीकर या फिर साउंड बार लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और उसके अलावा आपको इस रिमोट के थ्रू इस टीवी पर वॉइस सर्च का भी ऑप्शन मिल जाता है और वॉइस सर्च या फिर वॉइस कमांड देने के लिए आपको प्रेस करके रखना है ये वाला बटन, वेदर इन चंडीगढ़। Right now in Chandigarh it's 36 degrees Celsius and mostly sunny. Today, it'll be mostly sunny, with a forecast high of 37 and a low of 23. तो फ्रेंड्स, इस तरह से आप इस टीवी पर वॉइस कमांड्स भी दे सकते हो। तो फ्रेंड्स, यदि तो आपको इस टीवी का यूजर इंटरफेस अच्छा नहीं लगता या फिर आप इसके यूजर इंटरफेस से बोर हो जाते हो तो इसमें आपको ऑफिशियली टी लॉन्चर का सपोर्ट भी मिल जाएगा, जहां पर आपके टीवी का यूजर इंटरफेस कुछ इस तरह से रहेगा। और टीवी पर अवेलेबल इनपुट्स में से किसी भी इनपुट में स्विच होने के लिए आपको प्रेस करना होगा रिमोट का ये वाला बटन, और या फिर आप स्क्रीन पर भी इनपुट्स को सेलेक्ट कर सकते हो और किसी भी इनपुट में यहीं से स्विच हो सकते हो। जैसे कि मैं यहाँ पर अभी सेलेक्ट करता हूँ HDMI 1 को, जहाँ पर मैंने अपना फायर टीवी स्टिक कनेक्ट किया हुआ है। और उसके अलावा आप इस टीवी पर एप्लीकेशंस को साइड लोड भी कर सकते हो, जैसे कि मैंने यहाँ पर जियो टीवी को साइड लोड किया हुआ है। और इस टीवी पर एप्लीकेशंस को साइड लोड करना काफी इजी है। और यदि तो आप जानना चाहते हो कि iFalcon टीवी पर एप्लीकेशंस को साइड लोड कैसे करते हैं तो आप मेरी दूसरी वीडियो देख सकते हो, उसका लिंक आपको ऊपर आई बटन में मिल जाएगा, जहाँ पर मैंने एप्लीकेशंस को साइड लोड करने का पूरा प्रोसेस डिटेल में बताया हुआ है। तो एक बार आप वो वाली वीडियो जरूर से चेकआउट कर लेना। और इस टीवी पर आपको गूगल क्रोमकास्ट का भी सपोर्ट मिल जाता है, जहाँ से आप अपने फोन की स्क्रीन इस पर इजीली मिरर कर सकते हो। तो फ्रेंड्स, मेरे हिसाब से इस प्राइस रेंज में ये टीवी एक माइंड ब्लोइंग डील है, क्योंकि इसमें हमें पिक्चर क्वालिटी तो अच्छी मिलती है और साथ में ही हमें इसमें साउंड क्वालिटी भी काफी जबरदस्त सुनने को मिल जाती है और ऊपर से 2.5 GB रैम होने के कारण टीवी की परफॉर्मेंस भी काफी स्मूथ बनी रहती है। तो फ्रेंड्स, यदि तो आप एक 4K टीवी एक अच्छे प्राइस में सर्च कर रहे हो तो आपको डेफिनेटली इस प्रोडक्ट के लिए जाना चाहिए। और यार, यही कुछ था आज की इस वीडियो में। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई हो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ इसे लाइक और शेयर जरूर करना। हम मिलेंगे किसी और वीडियो में, तब तक के लिए बाय।